किसे समझो ना रेशम का तार भैया, किसे समझो ना रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार का पावन त्योहार है। राखी एक प्रतीक है जो ये एहसास दिलाती है कि बहनों के लिए ये दिन कितना खास होता है। लिहाजा कई दिन पहले से ही बहनें अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने निकल पड़ती हैं और राखी के दिन तक खरीदारी जोरों पर होती है। यूं तो बाजार में चाइनीज राखियां भी बिक रही है, लेकिन चीन से भारत के रिश्ते खराब होने का नुकसान चाइनीज राखियों को उठाना पड़ रहा है। इस खास पेशकश में हम आपको दिखाएंगे राखी का गुलजार बाजार। भाई बहन के पवित्र रिश्ते को बांधने वाले पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन को लेकर लोगों में उत्साह है। राजधानी रांची में रंग बिरंगी राखियों से बाजार गुलजार है। राजधानी रांची में रक्षाबंधन को लेकर सड़कों और दुकानों पर रंग बिरंगी राखियों से दुकानें सजी हुई हैं और लोग जमकर राखी की खरीद कर रहे हैं। लोगों ने दूर दराज रहने वाले अपने भाई बहनों को राखियां भेज दी हैं। स्थानीय लोगों की माने तो पूरे एक साल इस रक्षाबंधन का इंतजार रहता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों को कच्चे धागे या यूं कहें कि राखी बांध कर अपने भाइयों को अपनी सुरक्षा और लंबी आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहनों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। काफी ज्यादा महत्व होता है ये, अपने भाई लोग के लिए मनाया जाता है, जो भाई हम लोग का जिंदगी भर रक्षा करता है, इसी खुशी में मनाते हैं हम। बाजार में लोगों को पता नहीं है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको तो वो टाइप में ही अच्छा लग रहा है। बहन अपने भाई को बांधती बड़े प्यार, और वो इसलिए बांधती है ताकि भैया हमारा हमेशा खुश रहे और उनकी उम्र लंबी हो, और भाई मेरी मम्मी पापा का ख्याल रखे, बस इस हिसाब से राखी बांधती है। राखी का बाजार इस बार भी ठीक ठाक चल रहा है। हालांकि इस बार सावन में बारिश की वजह से दुकानदारी प्रभावित भी हुई है, इस वजह से मार्केट थोड़ा डाउन है। स्टोन का आया है, मेटल का बहुत सारा है। डिमांड क्या है इस बार राखी की, कौन सी राखी ज्यादा बिक रही है? मोर वाला राखी, स्टोन का राखी का डिमांड ज्यादा है, स्टोन का राखी ज्यादा डिमांड है, बच्चों का राखी ज्यादा डिमांड है। बाजार ठीक ठाक है, बारिश की वजह से थोड़ा सा घबराया हुआ है। उसमें तो बच्चों की राखियाँ हैं जी, लाइट वाली राखी है, वॉच में इतनी वैरायटी है, कस्टमर को जो पसंद है। बाजार कैसा है इस बार? बारिश का मार, बारिश का मार, बाजार डाउन है, पूरा डाउन है। अगर बात करें बहनों की तो कई ऐसे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं जो रक्षाबंधन को लेकर राखियां खरीद रहे हैं। उनका मानना है कि रक्षाबंधन से हमारा रिश्ता और भी गहरा और पवित्र होता है, जिसके लिए वो तत्परता से राखियां खरीद रहे हैं। बहरहाल रक्षाबंधन को लेकर रांची में छोटे बड़े सभी लोग उत्साहित नजर आते हैं और अपने भाई बहनों के लिए राखियों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। रांची से मोइजुद्दीन की रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। रक्षाबंधन को लेकर देवघर में भी राखियों का बाजार सजा है। खरीददारों की काफी भीड़ दुकानों पर नजर आ रही है। देवघर के बाजार में इस बार 5 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की कई तरह की फैंसी राखियां नजर आ रही है। बहनें अपने अपने भाइयों के लिए अनोखी राखियां तलाश रही है। इस बाजार में बच्चों से लेकर बड़ों तक का खास ख्याल रखा गया है। एक ओर जहां बच्चों के लिए कार्टून कैरेक्टर जैसे छोटा भीम और डोरेमोन वाली राखियां उपलब्ध है, तो वहीं बड़ों के लिए स्टोन और अलग अलग तरह की राखियां भी मौजूद है। बहनों को इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। इस बार बाजार में दुकानदार भी राखियों की बिक्री देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। आज तो पहले राखी खरीदेंगे, राखी के बाद मिठाई खरीदना होता है, कि न्यू ड्रेस भी रहता है, इसलिए अगर पॉसिबल हुआ तो न्यू ड्रेस, नहीं तो फिर पहले का ही ड्रेस। और कल राखी बांधा जाता है भाई को, और कल राखी रक्षाबंधन खत्म होते ही फिर से साल भर कल का इंतजार रहता है, फिर से कल आए इस कामना की उम्र की कामना करते हैं, ज्यादा सक्सेस करे अपनी लाइफ में, हैप्पी रहे। हमारे यहाँ तो 15 से 30 रुपए तक की राखी है,
और यहाँ तो ज़्यादातर डिमांड है राखी का, फैंसी राखी, स्टोन वाली राखी। सेलिंग तो बहुत अच्छी है, सेलिंग मतलब कस्टमर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में कस्टमर भी आ रहे हैं, तो सेलिंग बहुत अच्छी है। फैंसी राखी है, स्टोन की राखी है, ज़्यादातर राखी वही चल रही है। वो कितने की आ रही है? वो सब ज़्यादा की नहीं है, 15 से 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, सब ऐसा ही रेंज की रहती है। आज हम लोग राखी खरीद रहे हैं, मिठाई खरीद रहे हैं, और कल रक्षाबंधन है, भाई को कल राखी बांधेंगे, तिलक लगाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, उसकी लंबी आयु की कामना करेंगे। इस त्यौहार के लिए हम लोग को 1 साल इंतजार करना पड़ता है, रक्षाबंधन 1 साल बाद ही आता है, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भाई बहन। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पर जमशेदपुर का बाजार भी गुलजार नजर आ रहा है। इस बार रक्षाबंधन कई मायनों में खास है। 12 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि रक्षाबंधन के दिन चंद्र ग्रहण भी होगा, साथ ही इस दिन भद्रकाल भी और सावन का आखिरी सोमवार भी। राखी को देखते हुए बहनें पूरे जोश खरोश के साथ बाजार में खरीदारी कर रही हैं। बाजार में कई तरह की राखियां उपलब्ध है, लेकिन इस बार चाइनीज राखियों की डिमांड एकदम से घट गई है। इसकी वजह है चीन के साथ भारत के हालात। तो रिश्तों की इस खूबसूरती के साथ इस पर्व पर देशभक्ति का जज्बा भी दिख रहा है। भाई बहन का अटूट रिश्ता को राखी मान्यता, किस तरह की राखी पसंद आ रहा है? स्टोन वाला राखी ज्यादा अच्छा लगता है, उसके हाथ पे भी सूट करेगा, इसीलिए। लेकिन यहाँ तक देखा जा रहा है कि आजकल चांदी, चाइनीज वगैरह, तो किस तरह का, रेशम की डोरी पसंद कर रही हैं कि किस? हाँ, वैसा ही चाइनीज प्रोडक्ट नहीं। हम लोग बहुत मस्ती से, सारे कजिन्स लोग आते हैं घर पर, सब राखी बंधवाने के लिए, खूब मस्ती होता है, एक दूसरे के साथ बहुत टाइम बाद मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मार्केट अभी आई है, क्या पसंद कर रही हैं? राखी के, राखी सब खरीदना और राखी का गिफ्ट। क्या ऐसा पसंद आ रहा? बच्चे लोग को सब लाइट वाला ही राखी अच्छा लगता है, इसीलिए वही ले रही हूँ अभी। हाँ बाबू, तुमको किस तरह की राखी पसंद आ रही है? लाइट वाला ही अच्छा लगता है। तो तुम किस तरह से क्या गिफ्ट करोगे बहन? वो तो सीक्रेट है, दीदी फुल लेगी। राखी सब तो है, बहुत सुंदर सुंदर सब कलर की है राखी, सब सब पसंद, सब पसंद करेंगे सब अच्छे से, उन लोग अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। खास करके क्या पसंद आ रहा? सब जैसे ये कितनी कलरफुल डोरी उरी वाली सब आई हुई है राखी, और क्या। लेकिन यहाँ तक देखा जा रहा है कि मार्केट में चाइना और चांदी वगैरह का है, तो अभी भी जो कहा जाता है भाई बहनों का अटूट रिश्ता रेशम की डोरी से है, तो उस पे उसका क्या मानना? रेशम की डोरी से तो भाई लोगों का है ही, पर वही है कि आजकल सब तो जैसे सुंदर सुंदर है राखी सब, तो वही सबसे ही बांधते जैसे जिसको पसंद है। हम लोग तो सब इंडियन ही बेच रहे, क्योंकि इस बार सब कस्टमर जनरली चाह रहे कि हम लोग चाइना तो अवॉइड ही करें, वो लोग डायरेक्टली बोल रहे कि हम लोग इंडिया मेड ही चीज। यहाँ आप लोग लाए हुए हैं कि नहीं? नहीं नहीं, इस बार तो मार्केट में वो फ्लो ही नहीं है ना, सबको इंडियन ही मेड चाहिए, चाइना चाहिए ही नहीं, तो हमने चाइना लाई ही नहीं। राखी को लेके किस तरह की तैयार? मैंने जो इंडियन, जो आपको जैसे मूली का राखी हुआ, रेशम वर्क हुआ, इस टाइप का राखी ज़्यादा बिक रहा है। खास करके जो आ रहे हैं कस्टमर, उसको क्या पसंद है? सब इंडियन ही पसंद है, वो लोग तो साफ ही मना कर दिया हमको चाइना चाहिए ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स राखियों की इस बार कम बिक रहा है। धनबाद में भी राखी का बाजार गुलजार है, लेकिन इस बार बाजार में चाइनीज राखियों को पूरी तरह से नकार दिया गया है। दुकानदारों ने भी होने वाले संभावित घाटे के मद्देनजर इस बार चाइनीज राखी नहीं मंगवाई। धनबाद कोयलांचल में राखी का बाजार अपने चरम पर है। हर बार राखी के बाजार में चाइनीज राखियों का वर्चस्व देखने को मिलता था, लेकिन इस बार भारतीय सेना कैंप कर रही है सीमा पर और चीन से भारत के रिश्तों के बीच तल्खी बढ़ी है। ऐसे में होली और दीपावली की तरह रक्षाबंधन के मौके पर भी चाइना विरोधी मुहिम की को भरपूर हवा मिल रही है। नतीजा यह है कि चाइनीज राखियां बाजार से गायब हैं। दुकानदार भी रिस्क लेकर नुकसान के मूड में नहीं हैं और पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर बनी बनाई राखियाँ ही दुकानों पर उपलब्ध है। बाजार में 5 रुपये से लेकर 600 रुपये तक की राखी उपलब्ध है। राखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? राखी का त्यौहार
भाई और बहन के पवित्र रिश्ते के लिए निभाया जाता है, जिसमें भाई अपने बहन के लिए रक्षा करे, उसका हमेशा ख्याल रखे, इसके लिए मनाया जाता है। और ज़रूरी नहीं कि अपना भाई अपने अपने लिए अपनी बहन के लिए कुछ कर सकता है, चाहे वह चचेरा हो, फेरा हो, ममेरा हो, कोई भी हो, भाई अपने बहन के लिए हमेशा रक्षा करे, उसका साथ दे, इसके लिए हम लोग राखी का त्यौहार मनाते हैं। अच्छा ये बताइए, राखी आपने खरीद ली? हाँ। चाइनीज राखी खरीदी या इंडियन राखी खरीदी? ये तो नहीं पता। मैं यहाँ राखी लेने आई हूँ और कोशिश यही है कि चाइनीज राखी ना लें और इंडियन की जितनी भी बनी हुई राखी है वो हम लोग। इसलिए भाई को मतलब भाई की रक्षा के लिए मनाया जाता है। आपने राखी खरीद ली? हाँ खरीद ली। इस बार आपने चाइनीज राखी खरीदी है या इंडियन राखी? नहीं नहीं इंडियन राखी हमेशा खरीदते हैं। भाई बहन के प्रेम के त्यौहार रक्षाबंधन पर मोतिहारी के राखी बाजार में भी काफी चहल पहल नजर आ रही है। बाजार में रंग बिरंगी राखियां सजी हुई है। बहनें राखियों की जमकर खरीदारी कर रही हैं, लेकिन चाइनीज राखी से परहेज किया जा रहा है। इस साल चाइनीज सामानों के खिलाफ लोगों की एकजुटता को देखते हुए दुकानदारों ने भी चाइनीज राखी बेचने से परहेज किया है। इस साल व्यापारी केवल भारत में बनी राखियों को ही बेच रहे हैं। जो चाइनीज राखी रखे हुए हैं उनकी बिक्री नहीं हो रही। इधर बहनों का कहना है कि सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं और चीन भी हमारा दुश्मन है, इसलिए हम चाइनीज राखियों का बहिष्कार करते हैं। इस साल चाइनीज राखी का उपयोग नहीं करेंगे। चाइनीज राखी इस देश को भारत की रक्षाबंधन में इस चाइनीज राखी का उपयोग नहीं करेंगे। और यहाँ के बने हुए राखी के? हाँ, यहाँ की बनी हुई राखी का इस्तेमाल करेंगे। बिक रही है फैंसी राखी, स्टोन टाइप की राखी। और क्या चाइनीज राखी का भी डिमांड है? नहीं, चाइनीज कोई राखी नहीं। आप लोग रखे हुए? नहीं, चाइनीज हम लोग नहीं रखते। हम लोग शुभ और सीढ़ी का राखी रखते हैं, फैंसी राखी रखते हैं। इस बार डिमांड भी चाइनीज है? नहीं, चाइनीज लुम्बा और सब बच्चा सबके लिए टेडी बेयर सब करते आता है। अपने देश के बने राखी का उपयोग करेंगे, चाइनीज राखी का उपयोग नहीं करेंगे कि हमारे देश के सेना सीमा पे मरते हैं और फिर हम चाइनीज राखी का उपयोग करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा। हम लोग देश के बने राखी का ही, हम सभी बहना देश के बने राखी का ही उपयोग करेंगे। पटना सिटी में भी रक्षाबंधन को लेकर राखियों का बाजार गुलजार है, लेकिन यहां भी चाइना के माल का बहिष्कार देखा जा रहा है। देश में ही बनी रंग बिरंगे मोतियों और धागा लाइटों वाली राखियों को लोग तरजीह दे रहे हैं। तरह तरह की राखियां बाजारों में मिल रही है। बच्चों के लिए उनके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर और लाइटिंग वाली राखियां बाजार में काफ़ी देखने को मिल रही है। इस बीच चाइना के साथ भारत के तनावपूर्ण हुए रिश्ते के कारण बाजार में चाइनीज राखियों का सीधे तौर पर बहिष्कार कर दिया गया है। हम लोग चाइनीज राखी का बहिष्कार करेंगे क्योंकि जितनी भी चाइनीज राखी है इससे चाइना कंट्री को काफ़ी प्रॉफिट होता है और हमारी कंट्री को लॉस होता है और चाइनीज लोग हम ही पर हमला करते हैं और हमारे जवानों को मार देते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार प्रेम का धागा हमारे इंडिया का ही धागा हो, स्वदेशी धागा हो। हम लोग स्वदेशी राखी को अपना कर विदेशी राखों का विरोध करेंगे और स्वदेशी राखी को अपनाएंगे। धन्यवाद। आज हम लोग ने सभी फ्रेंड ने शपथ लिया है, सारी फ्रेंड ने, कि हम लोग चाइनीज राखी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंडिया की राखी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये हमारा भारतीय धागा है और ये स्वदेशी धागा है, इसी का इस्तेमाल करेंगे। चाइनीज धागे को हम लोग रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर बाजारों में रौनक देखते ही बन रही है। पटना के चूड़ी मार्केट से लेकर खेतान मार्केट तक लोग राखी की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बार बाजारों में चीन निर्मित राखी की डिमांड में भारी गिरावट देखी जा रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नीरज त्रिपाठी ने। राखी
राखी के त्योहार को लेकर पूरी तरह से बाजारों में रौनक है। अन्य बाजारों का नजारा तो आपने देख लिया, पटना के चूड़ी मार्केट का नजारा हम आपको दिखाते हैं, किस तरह से राखियां सजाई गई हैं हर एक दुकानों पर। भाई बहन के प्यार का संदेश देता राखी का त्योहार, काफी दिनों से भाई और बहन साल भर इसके इंतजार में रहते हैं और इस बार के मार्केट में कई अन्य राखियां नए डिजाइन की आई हैं। साफ तौर से आप नजारा देख रहे हैं, हर एक चूड़ी मार्केट का अगर हम बात करें, ठकुरबाड़ी रोड स्थित है ये, हर एक कदम कदम पर राखियों की दुकान लगी है, लोग बाग यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं जो अपने भाइयों के लिए राखी खरीद रही हैं। हमसे बात करते हैं, मैम राखी का त्यौहार आने वाला है, कितना इंतजार रहता है एक बहन होने? पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि हम शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल से आते हैं, बाहर से आते हैं, तो इंतजार रहता है कि अगर सैटरडे संडे पड़े या संडे मंडे पड़े तो छुट्टी हो तो जा सके, और इस बार संडे और मंडे पड़ गया है तो छुट्टी है, लेकिन राखी बहुत महंगा है। मैम एक क्या कुछ नई राखियां आई हैं बाजार में, आप कुछ नया कलेक्शन, क्या कुछ अलग राखी इस बार, क्योंकि हर साल राखी बांधती है, इस बार क्या कुछ डिफरेंट बांधने का भाई के कलाई पे इरादा है? डिफरेंट तो हमेशा वही राखी होती है, मोती और धागा, और धागा ही महत्व होता है मेन, तो इस बार मोर का ज्यादा फैशन हर राखी में देख रहे हैं, थोड़ा मोर पैटर्न आ रहा है, आप देख सकते हैं सब राखी में मोर का कलरफुल रहेगा और मोर का ही पैटर्न रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि बहनों को कहीं ना कहीं उत्साह होता है और हर साल अपने भाइयों को एक अलग डिजाइन की राखियां बांधने का कोशिश करती है बहनें। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरह के नए डिजाइन के राखी इस बार बाजारों में आए हैं, जिस तरह से इन महिला ने बताया कि काफी मोर पंख के डिजाइन आए हैं, तो नो डाउट काफी आकर्षक राखियां इस बार बाजारों में हैं, और इसका जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है भाई बहन का प्यार दर्शाता है ये रक्षाबंधन, और जाहिर सी बात है इसको लेकर कहीं ना कहीं पूरे बाजारों में रौनक सुबह से लेकर रात तक रहती है और लोग बाग राखियां खरीदते नजर आते हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं बहनें क्या, भाई भी जो है वो अपनी बहनों को ले जाकर राखी देते हैं और उनसे फिर उसी राखी को बनवाते हैं, लोग बाग यहाँ खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। हम दुकानदार हैं, दुकानदार से बात करने की चेष्टा करेंगे। सर आप ये बताएं किस इस बार क्या कुछ नई राखियां बाजार में आई है या आपने लाया? राखी तो लगभग में वही है, कुछ कुछ हल्का फुल्का डिजाइन चेंज कर दिया जाता है और उसी को बना करके लोग, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का राखी का, और चाइनीज माल का हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि हम लोग बेचें, क्योंकि चाइनीज लोग हम ही लोग के देश में बेचते हैं लोग और हम ही लोग पे आँख दिखाते हैं, इसलिए पूरे भारतीयों को चाहिए कि चाइना सामान का बहिष्कार करें लोग। तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार ने साफ तौर से कहा कि इस बार कुछ खास नहीं है राखियों में, मगर कहीं ना कहीं बच्चों के लिए जो ये इलेक्ट्रॉनिक राखियाँ आई हैं इसमें क्या कुछ कह रहे हैं? बच्चों का तो इंडिया तो बनाता नहीं है, तो उसके लिए तो चाइनीज ही है, कुछ ना कुछ तो है उसका। तो जाहिर सी बात है कि दुकानदार जो है पूरी तरह से ये चेष्टा में है कि चाइनीज राखियों का बहिष्कार करें और आम लोग भी यही कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर ये चाइनीज राखियां लाने को मजबूर हो जाते हैं। हालांकि जो साफ तौर से लोग बाग है वो कहते सुने गए हैं कि इस बार की राखी में वो चाइनीज राखियों का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। राखी का त्यौहार हर किसी के लिए खास होता है, बच्चों में इस त्यौहार को लेकर खासा उत्साह होता है, रंग बिरंगी राखियां देखकर बच्चों का मन ललच जाता है। ऐसे में हम पहुंचे कदमकुआं बुद्ध मूर्ति स्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, जहां बच्चों ने हमसे शेयर की राखी से जुड़ी खुशियां। भाई बहन के प्यार का त्यौहार रक्षाबंधन बस आ ही चला है और कहीं ना कहीं इसको लेकर हर भाई और हर बहन में एक उत्साह रहती है। बहनें खास करके उत्साहित रहती हैं अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांधने के लिए और भाई अपने कलाई पर राखी बंधवाने के लिए बहनों से काफी दिनों तक इंतजार करते हैं, और खास करके वैसे बच्चे, अगर वैसे भाई की अगर हम बात करें जो दृष्टि बाधित हों और नेत्रहीन हों, कहीं ना कहीं वो भी अपनी बहनों का इंतजार बेसब्री से करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के कदमकुआं स्थित राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय में। आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से नेत्रहीन बच्चे यहाँ पर बैठे हैं और आज यहाँ पर उनकी कक्षाएं भी चल रही हैं, पर कहीं ना कहीं वो उनसे हम बात करते हैं कि राखी का त्यौहार के लिए वो लोग क्या कुछ तैयारी कर रखे हैं, कब उन्हें गांव जाना है या कितना इंतजार रहता है। बाबू आप बताएं, रक्षाबंधन का त्यौहार अब आने ही वाला है, कितना इंतजार था आपको? जी बताएं। इंतजार तो बहुत था। अभी भी आप यही हैं, रक्षाबंधन नजदीक है, कब जाएंगे अपने घर बहन से राखी बंधवाने? अब मेरा घर तो यहीं पर है, इसलिए कभी भी चले जाएंगे। कितना इंतजार, कितनी खुशी होती है अपनी बहन से मिलकर हाथों पर रक्षाबंधन का सूत्र बंधवा? बहुत खुशी होती है। आप बताइए कितना इंतजार था आपको इस रक्षाबंधन का?
बहुत इंतज़ार था सर, हम बहुत जब रक्षाबंधन करीब आने लगा तो हम बहुत उत्साहित हुए कि हम घर जाएंगे। घर तो मेरे ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ दानापुर में है। हम यहाँ पढ़ते हैं और साल भर यहीं रहते हैं? यस सर, नहीं साल भर नहीं, छुट्टी होता है जाते हैं सर। बहन से मिल पाते हैं? बिल्कुल सर। रक्षाबंधन के दिन जब बहन से मिलते हैं उसका उत्साह कितना होता है? उसका उत्साह तो और काफ़ी ज़्यादा अधिक होता है सर। क्या गिफ्ट देते हैं अपनी बहन को? जी बिल्कुल, हम कुछ न कुछ अपने यहीं से लेकर के जाते हैं, पापा से खरीदवा करके। तो जाहिर सी बात है कि ये प्यार का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है, और आपने साफ तौर से देखा कि दृष्टिहीन बच्चे भी कितनी तैयारियां करते हैं अपनी बहनों को कुछ न कुछ गिफ्ट देने के लिए, और किस तरह से उन्हें भी इंतजार रहता है इस रक्षाबंधन के त्यौहार का। कैमरा पर्सन दिव्यांशु के साथ नीरज त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, पटना। खास है, यही कारण है कि राखी को लेकर बाजार हर बार कुछ नया करता है। इस बार भी पटना के राखी बाजार में कई तरह के विकल्प मौजूद हैं। चाहे बात छोटे भाइयों के लिए राखी लेने की हो या बड़ों के लिए, बाजार में बहुत कुछ उपलब्ध है। सबसे खास ये कि इस बार चाइनीज राखियां ना के बराबर हैं और पारंपरिक राखियों की भरमार है। बाजार में इस बार हर तरह की राखी है, लेकिन इंडियन राखी है। जैसे पिछले बार हम लोग चाइनीज राखी भी मंगाए थे, चाइनीज राखी की सेल कम होने के कारण इस बार सिर्फ इंडियन राखी आया। राखी थोड़ा महंगा है लेकिन फिर भी बिक रहा है। GST लेके थोड़ा महंगा हुआ है, लेकिन राखी हर रेंज का हमारे पास 15-20 से स्टार्टिंग होता है और ऊपर में 500-700 रुपए के भी रेंज में है। हालांकि GST ने राखियों को थोड़ा महंगा कर दिया है, लेकिन कीमत चाहे जितनी भी हो, बहनें बिना राखी लिए कैसे लौट सकती हैं? तो सबने जमकर खरीदारी की है। राखी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, पर महंगी है, लेकिन कोई बात नहीं, भाई बहन का पर्व है, इसमें प्यार का धागा का मतलब ये है, बहुत उसमें सस्ता महंगा कुछ नहीं। हम लोग इस बार ज़्यादा खूबसूरत राखियाँ हैं। पहले वो चाइनीज़ राखी आती थी चमक धमक वाली, लेकिन लगाते ही वो टूट भी जाती थी, और सस्ती तो मिलती थी, सही बात है, चाइना से आती थी तो सस्ती थी। लेकिन हमको इस बार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी राखी है हमारे यहाँ का, जो ट्रेडिशनल होता है धागे वाला राखी, कोई मतलब चाइनीज़ आइटम नहीं है उस। जाहिर है रक्षाबंधन परंपरा और विश्वास का ऐसा पर्व है जिसके सहारे भाइयों ने अपनी बहनों की हमेशा रक्षा की है और बहनों ने उनकी तरक्की की कामना की है। भाई बहन के प्यार का दिन यानी राखी और राखीपुर के बाजार पूरी तरीके से तैयार है। बाजार में क्या कुछ खास दिखाते हैं आपको? राखियों का इंतजार सबसे ज्यादा बच्चों को होता है, तो बच्चों की तरह तरह की राखियां हैं, चाहे उनके जो भी कार्टून कैरेक्टर है, छोटा भीम की बात करें आप, या फिर आप बात करें जो उनके नाम से लिखे जो अल्फाबेटिकल्स लेटर्स वाले जो राखियां हैं, वो राखियां इस तरह की हैं, तरह तरह की राखियां हैं। बच्चों को की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए छोटा भीम और यहाँ पे शक्तिमान, जैसे इस तमाम तरह की जो राखियां हैं वो बाज़ार में हैं। खास बात यह है कि इस बार जितनी भी राखियां हैं वो सारी राखियां जो हैं वो इंडियन हैं, चाइनीज़ राखियां बहुत कम बाज़ार में नज़र आ रही हैं। सबसे खास इस बार की जो राखी वो ये है, इसको सब्लिमेशन राखी कहते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इस राखी में अपने भाई अपने बहन की तस्वीर जो है प्रिंट करवा सकते हैं। अमूमन जो राखियाँ होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं, लेकिन इस बार इस ट्रेडिशनल के साथ साथ जो आधुनिकता है उसको मिक्स किया गया है। इन राखियों के माध्यम से आप अपनी कोई यादगार तस्वीर इन राखियों पर प्रिंट करवा सकते हैं, बस कुछ मिनटों में प्रिंट होकर के आपको मिल जाएगा, और इन राखियों के माध्यम से आप अपने भाई तक अपनी जो अपना मैसेज है वो देने की कोशिश कर सकते हैं। बाज़ार में राखियाँ कई तरह की हैं, लेकिन GST की वजह से इस बार राखियाँ थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि दुकानदार बता रहे हैं कि करीब 28% के आसपास में GST इस बार फैंसी राखियों पर लगा है। ऐसे में हर्बल राखी से लेकर के भारत की पारंपरिक राखी तक बाज़ार में उपलब्ध है। बस आइए और खरीदिए अपने भाई के लिए प्यार। कैमरा पर्सन अकबर के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ इंडिया, पटना। रक्षाबंधन के पवित्र मौके पर कब राखी बांधें और इस साल राखी वाले दिन चंद्र ग्रहण होने की वजह से क्या एहतियात बरतें, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, पहली बात है कि भद्रायाम द्विन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी, श्रावणी कर्म और फाल्गुनी कर्म जो है भद्रा में नहीं करना होता है।
तो ये रक्षाबंधन जो है वह 7 अगस्त को है, इस दिन सोमवार भी है, पूर्णिमा जो है रात को 11:03 तक है, और भद्रा जो है दिन में 10:30 है। तो भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनीता, मैं भद्रा में 2 कार्य नहीं करना है। फाल्गुनी कर्म का मतलब हुआ होलिका दहन, और श्रावणी कर्म का मतलब है उपाकर्म जिसका अंग है रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन भद्रा में नहीं करना है, मतलब कि 10:30 तक नहीं करना है। उसके बाद सूतक आ जाता है। देखिए चंद्र ग्रहण जो लग रहा है रात को, चंद्र ग्रहण लगने के कारण जो है ये 10:30 से जो 1:52 तक जो है रक्षाबंधन होगा इस दिन। सूतक में चूंकि चंद्र ग्रहण का सूतक जो होता है वह 9 घंटे का होता है, और सूतक की ऐसे निर्णय संधु आदि ग्रंथों में यह भी दिया गया है कि अगर समय नहीं हो तो सूतक में भी क्या करना है रक्षाबंधन, लेकिन समय है बीच का जो है 10:30 के बाद से 1:52 का समय जो है बिना सूतक का है और निर्दोष समय है। तो इस समय जो है इतना समय में तो कहीं भी रक्षाबंधन हो सकता है, कोई भी कर सकते हैं, इसलिए रक्षाबंधन का समय यही होना चाहिए 10:30 से 10:30 दिन से दिन में 1:52 तक। ये फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। We'll be right back.